This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महनूर अली। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि इंफॉर्मेटिव भी बहुत ज़्यादा है, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि रोज़ाना कोई ऐसा टॉपिक लेके आए जिसमें ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिले बल्कि वो जो सवालात आपके जहनों में उसके जवाब आपको यहाँ हमसे मिलें। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ़ एजुकेशन इन यूथ एम्पावरमेंट, या अगर हम कह लें कि एजुकेशन का रोल क्या है या फिर एक यूथ का रोल क्या हो सकता है एजुकेशन के हवाले से, ये भी जिक्र आएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि बदकिस्मती से कहे पाकिस्तान में यूथ को जो कहा जाता है सबसे कीमती सरमाया है, तो उसके बारे में ये भी कहते हैं कि 10 में सिर्फ एक नौजवान जो है वो सिर्फ स्टेबल है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जिसके पास जॉब है। जबकि ये कहते हैं कि जी आउट ऑफ दीज 36% जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं जॉब सर्च करने में, उनमें से सिर्फ एक है जिसको जॉब मिल पाती है या आप सही तरीके से जॉब पे है अपनी। तो बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान की बात होती है तो यकीनन कंपेयर भी किया जाता है उन ममालिक से जो बाकी चीज़ों में हमसे ब्लो हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीरिया की या इराक की, तो उसमें भी हमारा ओवरऑल जो हम यूथ डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम उनसे भी नीचे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या अजबाब हैं, ये सवाल जानेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं पहले उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़हीम बुखारी साहब, हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या रीजंस हैं और क्या इन पे हम काबू पा सकेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम फहीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया आप आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और मेरे जहन में भी बहुत से ऐसे सवाल हैं मैं समझती हूँ कि जिसके जवाब मैं आपसे आज इस प्रोग्राम के दौरान जो हूँ हासिल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई ऐसा सवाल करूँ जो मेरे जहन में भी है या हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में तो कुछ जानती हूँ लेकिन जब इसके आगे फाउंडेशन लग जाता है तो ये फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन बेसिकली इज़ अ पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हबीब यूनिवर्सिटी उसी का एक प्रोजेक्ट है। फाउंडेशन इज़ वर्किंग बेसिकली ऑन टू प्रोजेक्ट्स, वन इज़ हायर एजुकेशन एंड द अदर इज़ यूथ डेवलपमेंट। तो हायर एजुकेशन के परस्पेक्टिव को सामने रखते हुए दे इनिशिएटेड हबीब यूनिवर्सिटी, और यूथ डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव को सामने रखते हुए दे इनिशिएटेड बैक इन 2008 एन इंस्टीट्यूट इन मलीर विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसिंग करियर्स एंड टैलेंट्स। दैट इज़ द हब ऑफ यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वहीं से हम यूथ डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली अ वोकेशनल एंड यूथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें ना सिर्फ हम यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं बल्कि हम उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो उनको काउंटर वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म से अवॉइड करने में और जॉब सर्च करने में और बेहतर पर्सनैलिटी बनाने में, पर्सनैलिटी ग्रूम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एंड वी आर नॉट ओनली वर्किंग इन कराची, वी आर वर्किंग इन ऑल ओवर सेंथ फ्रॉम दैट हब। हम आउट ऑफ कराची भी जाते हैं और काम कर रहे हैं। वरना यही कहा जाता है कि अगर किसी नौजवान के पास अगर जॉब नहीं होती तो वो ज़ाहरी बात है जो हम फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, चाहे वो कोई क्रिमिनल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं या कोई और एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। चलें, आपने ये तो क्लियर कर दिया हबीब यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है, मगर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपने जब ये जिक्र किया था प्रोग्राम से पहले आपसे, क्योंकि मैं डिस्कस कर रही थी कि आपका माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है इनके साथ, जो आपका एसोसिएशन है वो 7 साल, यस इट्स अराउंड 7 इयर्स, 7 इयर्स हो गए, इट्स अ लॉन्ग टाइम। इस अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने पाँव जमाने हों तो ये बहुत अच्छा, इसको तो बहुत अच्छा वो कहते हैं ना, सीनियर हो जाते हैं आप। तो ये जो फाउंडेशन है, मैं इसी के हवाले से आपसे बात करूँगी, ये कब से स्टार्ट हुई है? शुरू से फाउंडेशन थी जब आपकी हायर एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ हबीब यूनिवर्सिटी में, या अभी इसका ख्याल आया? बेसिकली ये हाउस ऑफ हबीब का इनिशिएटिव है, और दिस इनिशिएटिव वाज टेकन इन 2006, अराउंड 2006 में इसका इनिशिएटिव लिया गया था बिकॉज आई जॉइन लेट। तो एक यूनिवर्सिटी का, दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, और हायर एजुकेशन को लेके हमारे जो सीईओ है मिस्टर वासिफ रिजवी, ही इज़ अ हार्वर्ड ग्रेजुएट, ही हैज़ वेरी वाइब्रेंट एक्सपीरियंस, आ खान में उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने अपने विजन को सामने रखते हुए इस फाउंडेशन की दाग बेल, जिसे हम कहते हैं, इनिशिएट किया, डाली, और फिर उसके बाद दे ऑल्सो थॉट के देर शुड बी अ काइंड ऑफ वोकेशनल एंड यूथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर। तो हमने पहला इनिशिएटिव जो है वो 2008 में सऊदाबाद में, देर वॉज अ प्लेस जो वल्नरेबल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती थी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, बहुत ही अजीब खस्ता हाल में थी, तो
तो जब मुस्तफ़ा कमाल वाज़ द नाज़िम एट दैट टाइम, फिर गवर्नमेंट के साथ कोलेब्रेशन करके उन्होंने HUF को ये बिल्डिंग एक दी, जिसमें वी इनिशिएटेड वी इन्वेस्टेड अराउंड 40 मिलियन इन द बिगिनिंग, और उस बिल्डिंग को आज इफ यू कैन सी इट्स अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग, बहुत अच्छा कैंपस बनाया. और साथ साथ यूनिवर्सिटी की प्लानिंग पे अलग अलग काम चल रहा था, तो यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च देयर थर्ड बैच नाउ, दो साल से वो भी काम कर रही है. लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वो 2009 से हमने ऑपरेशनल किया था, और 2009 से वो डिफरेंट काम कर रहे हैं. और वी हैव फाउंडेशन as an institution. Okay. A foundation is the umbrella. Uh-huh. That's concept needs to understand ki foundation ek umbrella hai, uske andar university alag kaam kar rahi hai, IACT jo institute hai wo alag kaam kar raha hai. To institute jo IACT hai wo youth development ke jitne kaam hai wo unko cater kar raha hota hai. So we are alhamdulillah doing good, aur isme hum vocational trainings se bahut sare log graduates kiye hain, aur hamara ek structure hai jo main aage chal ke aapko bataunga ki exactly how we facilitate. Bukhari sahab, jab zikr aata hai higher education ka, जी जी, और एक तरफ जिक्र आता है वोकेशनल ट्रेनिंग्स का, जी जी, तो जो माइंड है उसका कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट वो आपके सोच आती है. हायर एजुकेशन का जब जिक्र आता है तो लगता है कि हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए आपको. यस. और आपके पास अच्छा मयार तालीम जब भी आप ले सकते हैं, जब आपके पास पैसा हो. Yes. समझ गए होंगे, लॉट ऑफ मनी है तो फिर ही आप हायर एजुकेशन का सोच सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन जब हम बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स का, स्किल्स का, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हबीब फाउंडेशन जो है, यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो है, क्या डिफरेंस है, क्या आप, क्या इसमें ऐसा है कि जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग हैं, स्किल्स आप लोग दे रहे हैं, तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, है कि अफोर्डेबल है, कि स्टूडेंट्स आए, यूथ आए और आप लोग इजीली ज्वाइन करें? देखें, थोड़ा सा मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर रही हूं कि हमारे नाज़रीन को और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके. थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हायर एजुकेशन जो आपने बात की, पाकिस्तान में अराउंड कोई 8% यूथ है जो सिर्फ हायर एजुकेशन पे एक्सेस कर पा रही होती है. अच्छा, उसकी वजह खाली एक्सपेंसिव होना नहीं है, उसकी दो तीन वजूहत हैं. एक तो हमारे यहाँ लेबर फॉर चाइल्ड लेबर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, और फिर बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं हो पाता. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि चलें अगर हायर एजुकेशन कर भी ली है, एक चीज़ कहलाती है स्किल सेट. वो स्किल्स नहीं आ पा रहे होते बच्चे में जो उसको कोर हार्ड कोर किसी एग्जैक्टली जगह पे ले जाके जॉब दिलवा सकें. तो डिग्री इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर. उसके बाद वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कहीं अपनी जॉब ले सके. और होता क्या है कि आजकल BCom या MCom करने के बाद या MBA करने के बाद भी बच्चा डिग्री हाथ में लेके हर जगह जा रहा होता है, एंड एवरीबॉडी आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस. सो द सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो लेबर फोर्स में, पाकिस्तान इज द 10th लार्जेस्ट कंट्री एंड वी हैव 63% ऑफ यूथ मिनिमम. तो अगर इनको अभी से फैसिलिटेट ना किया गया तो दे वुड बी अनगाइडेड मिसाइल्स एंड इट वुड बी यू नो वेरी हार्मफुल. तो लेट्स टॉक नाउ अबाउट हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन. इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, यस, इट हैज़ वेरी गुड यू नो फी स्ट्रक्चर, लेकिन मोर देन 80% स्टूडेंट्स आर यू नो स्टडिंग ऑन स्कॉलरशिप्स. तो इट्स अ वेरी गुड यू नो अपॉर्चुनिटी एज वेल. सेकेंड, अगर आप बात करते हैं IACT की, तो हमारे पास भी इतना फी स्ट्रक्चर नहीं है. हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी काम कर रहे हैं 3 प्रोजेक्ट्स पे, और उसमें हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, 100% पढ़ाते हैं फ्री, देर इज़ नो फी फॉर देम. इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जिनकी हल्की सी छोटी मोटी स्कॉलरशिप तक, सॉरी आपकी बात नहीं पड़ी है, क्योंकि मुझे इसलिए ब्रेक करना पड़ रहा है आपसे यहाँ पे, कि ये पूछना है कि जिस तरह आपने कहा कि आप 100% उनको स्कॉलरशिप करते हैं, तो वो स्कॉलरशिप किस तरह हासिल होती है? यहाँ तो हायर एजुकेशन की तो बात वो थी ना, आपने कहा कि बहुत मुश्किल से ही पहुँचते हैं 8%, आपने कहा कि यूथ है जो पहुँच पाती है, तो ये किस तरह तरीके से कि करते हैं कि भाई ये इस काबिल है कि इसको स्कॉलरशिप दी जाए? वी हैव कम यू नो एडमिशन प्रोसेस विद अस. पूरा क्राइटेरिया होता है जब हम एडमिशन लॉन्च करते हैं, बच्चे आते हैं, दे शो देयर इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट गिव एडमिशन टू देम, वी हैव अ काउंसलिंग विद देम. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को खुद पता नहीं होता उन्होंने करना क्या है, तो वी हैव अ काउंसलर्स, टीम ऑफ काउंसलर्स, दे काउंसल देम, और उसके बाद फिर वो खुद उनके साथ बैठ के एक्सप्लोर करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली यू नीड टू डू. वो कोई भी सोच लेके आए, आप उनको बदल भी सकते हैं अपनी काउंसलिंग के थ्रू? यस, इट डिपेंड्स कि इफ दैट इज नीडेड. अगर वो बच्चा बड़ा क्लियर है अपने विजन में, तो डेफिनेटली वी विल गाइड हिम कि हाँ जी आपको ये करना चाहिए. सही. और फिर उसके बाद हमारा एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारी टीम है जो इंटरव्यू करती है, एडमिशन टीम. इंटरव्यू करने के बाद वो उस बच्चे का कमिटमेंट लेवल, उस बच्चे की सलाहियत या कुछ कर गुजरने की जो लगन होती है ना, उसको देखा जाता है, और फिर डेफिनेटली वी फैसिलिटेट देम फॉर द स्कॉलरशिप्स. सही. अभी जब बात आप कर रहे थे कि इसमें कि आप जब ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं, तो उसमें ये भी सिखाते हैं कि जॉब किस तरह सर्च करनी है या क्या तरीका होना चाहिए, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास जो रिसर्च है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, तो 2016 के
दौरान ड्यूरिंग लास्ट 13 ईयर्स का अगर हम मुआवजना करें तो इसमें सबसे हाईएस्ट रेट है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का, और जिसमें अगर आप 2014-15 की बात करें तो 3.6 मिलियन था, जो बढ़कर अब जो है 8.5% तक आ गया है। तो मैं इस चीज़ से एकदम से एक स्केरी फील होता ना कि आने वाले वक्त में जिसमें आप जिस दौर को देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सी पैक जैसा आपका ख्वाब है जिसे पूरा होते कुछ ही अरसा लगना है इंशाल्लाह ताला, तो उस वक्त उसके लिए मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी, यहाँ बैठे हुए नहीं पहुँच सकते अगर हम हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, तो आप कम अज़ कम अगर यूथ आपको देख रही है तो उन्हें आप बताइए कि आप किस तरह इत्मीनान से जॉब सर्च कर सकते हैं और किस लिहाज से आपको जॉब सर्च करनी चाहिए, और अगर आप करते हैं तो मायूस नहीं होना चाहिए, नहीं मिलती तो ज़्यादातर तो ये होता है ना, मायूसी होती है, फिर उसके बाद आप फिर दूसरी फील्ड्स की तरफ या दूसरे कामों में लग जाते हैं। मैं असल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग खुद एक एम्प्लॉयर भी हैं, हमें भी लोग चाहिए होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डाउनफॉल जा रहा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलने, लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिन लोगों को एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हें भी सही एम्प्लॉयज़ मिलते नहीं हैं। देर इज़ अ लैक, उसकी भी बहुत सी मिसिंग, यस कनेक्शन मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक शख्स को रखना है, हायर करना है, तो वो उसके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं मुझे मिल रहा या वो रिक्वायर्ड एटीट्यूड नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। सही। तो मेरे पास अगर एक पोजीशन के लिए 6 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं तो उसमें से शायद ही कोई एक आधा मुझे मेरी रिक्वायरमेंट पर करता है। फिर दूसरा एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, क्योंकि आपने जब तस्करा किया तो हम जब काम करते हैं, जो हमारा लर्निंग फ्रेमवर्क है, तो हम सिर्फ किसी एक चीज़ पे काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई गिव यू द एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई बच्ची जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आती है, सो हम सिर्फ उसे सिलाई कढ़ाई या फैशन डिज़ाइनिंग ही नहीं सिखा रहे होते, बल्कि हम उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी देते हैं, जिसमें हाउ टू ग्रूम योर पर्सनालिटी, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ इमोशनली, सेल्फ अवेयरनेस पे हम बात करते हैं, करियर डेवलपमेंट पे बात करते हैं, साथ साथ हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक लेक्चर्स भी दे रहे होते हैं, लेसन्स भी दे रहे होते हैं कि क्यों हर बच्ची नौकरी नहीं कर सकती फैशन डिज़ाइनर के पास। तो फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ फील्ड जहाँ पे आप घर पे बैठ के कपड़े सी के भी आप काम कर सकते हैं। इवन वी हैव डिफरेंट फार्मूलाज कि अगर आपके पास अपने 500 रुपये भी हैं तो आप उससे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ कि बच्चियों ने अपने घरों से काम करना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग गुड। और मैं समझती हूँ इसमें सोशल मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया, क्या कहेंगे, जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेजर चैलेंजिंग जो थे, इशूज़ जो थे वो यूथ के, उसमें ये भी था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा SMS एंड फेसबुक एडिक्शन है, तो उसकी वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे हट के अगर बात करें कि सोशल मीडिया, आप जब इंटरनेट के थ्रू अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और ये इसी से इस काम स्टार्ट होता है, अगर आप कहें कि 500 रुपये से कोई काम स्टार्ट करेंगे तो आप घर बैठ के इजीली इस तरह एक्सेस तो नहीं कर सकते। एक्चुअली उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हम अपनी बेसिक वैल्यूज़ से भी दूर होते जा रहे हैं। बट if you are using social media but in a positive sense, so that's a wonderful thing and that's you know, that's an achievement and we are also working on that. hamara ek project hai youth empowering spaces ke naam se, usme hum youth tech seminars karwate hain jisme we actually guide this youth ki aap ek choti si cheez ko ya facebook ko use karte hain to use zara sa productive way mein karke kis tarah se utilize kar sakte hain ki wo catchy ho sakta hai, rather than ke sirf searching pe chale jaye ya googling karte rahe sara din, to wo cheeze hain. to is tarah se hum puri koshish karte hain ki jab bachcha hamare paas padhne aata hai to wo sirf ek cheez nahi padhta balki usko different aspects of life aur different aspects of course wo karwaye jate hain taaki wo एलिमेंट को सीख सके। और हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करते हैं, सो क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो हमारे लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की पे जा रहे हैं तो वो जो हमारा लेबर रेशो है बहुत ज़्यादा है, हम वी आर द 10th लार्जेस्ट कंट्री लेबर फोर्स में, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% लोग हैं जो ट्रेनिंग ऑन जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर्स के पास ट्रेनिंग करते हैं, बाकी सब थ्योरी होती है, उनको कुछ नहीं पता होता या वो अनगाइडेड होते हैं, वो जो दुकान पे छोटे होते हैं, वो उन्होंने काम शुरू किया तो उनको कोई एथिक्स या लाइफ में आगे बढ़ने की वो चीज़ें नहीं हो रही, वो जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं बिल्कुल। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट IACT, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस रखते हैं बट साथ साथ हम कहते हैं कि नहीं, इफ़ यू आर इंप्रूविंग योर स्किल्स यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी एंड यू विल हैव अ गुड पैशन, सो यू कैन यूटिलाइज योर दोज स्किल्स विद योर लर्निंग एटीट्यूड टूवर्ड्स द अचीवमेंट एंड टूवर्ड्स द सक्सेस। फहीम साहब बहुत अच्छी बात आपने की, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का जब जिक्र आता है तो वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगी।
देखें वोकेशनल ट्रेनिंग एक बहुत बड़ी टर्म है, हर वो बच्चा जो हायर के छोटे से वर्ड में क्या क्या समोया जाता है या क्या होता है। हम इसे ये कह दें कि हुनर सीखना, अगर आप इसको उर्दू में बड़े वाज़े अल्फाज में कहें तो आप ये कह सकते हैं जी हुनर जो सीखा जाए कोई भी ऐसा, क्योंकि अक्सर हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि जी हर शख्स भूखा मर सकता है लेकिन हुनरमंद भूखा नहीं मर सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो अगर फुटपाथ पे बैठ भी जाएगा और एक अपने मैकेनिक मोटरसाइकिल का काम आता है तो वो किसी भी फुटपाथ पे भी खड़ा होगा तो वो अपना काम शुरू कर सकता है। तो बेसिकली वोकेशन हम इसी को कहते हैं कि अगर आप हुनर सीखना चाहते हैं, और असल प्रॉब्लम ही यहीं आ रहा है कि आजकल जो लोग देख रहे हैं ना वो डिग्रियाँ कम देख रहे हैं, काम ज़्यादा देख रहे हैं। इवन यू हैव द स्टाफ, लॉट ऑफ स्टाफ विद यू पीपल, तो उसमें जो बहुत सारे लोग हैं हो सकता है वो MBA नहीं किया हुआ, उन्होंने BBA नहीं किया हुआ, बट दे नो दे वर्क, उनको पता है मैंने माइक कैसे लगाना है, उनको पता है मैंने ऑडियो किस तरह से करनी है। तो व्हेन दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क दे आर गेटिंग द जॉब्स, दे आर इंप्रूविंग देयर पर्सनालिटीज, दे आर ग्रूमिंग एज वेल एंड दे आर ग्रोइंग एज वेल। तो क्या ऐसा है कि जब आप कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है आप लोगों के यहाँ रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने इतना जरूर पढ़ा हुआ हो या क्या, या बस ये पता हो कि आप जिसके लिए आए हैं उसके लिए आपका जिसने आपने कहा काउंसलिंग की जाती है, माइंड सेट बनाया जाता है, उसके बाद आप उन्हें काम स्टार्ट करवा सकते हैं। उसमें बेसिकली डिपेंड करता है, बिकॉज हम जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहे हैं वो टेक्निकल वाले नहीं है, जिसमें मोटर मैकेनिक इस तरह के कोर्सेज नहीं है। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इनमें क्या होता है, एक इस वर्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग्स आ जाती हैं? बिल्कुल नॉर्मली एक फिनोमेना है और एक अंडरस्टैंडिंग लोगों की होती है कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग इट्स ओनली अबाउट जनरेटर बनाने वाला या इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक, इट्स नॉट ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में हम गारमेंट इंडस्ट्री को लेते हैं, फैशन इंडस्ट्री को लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में हम ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मीडिया इस इंडस्ट्री को लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में हम फोटोग्राफी को भी लेते हैं। जितने ये जो सॉफ्ट एरियाज हैं इन पे हम काम कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने CPAC की बात की, तो वी रिसेंटली लॉन्च 2-3 years back वी लॉन्च दिस कोर्स विद द नेम ऑफ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वो हमारा कोर्स मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, बल्कि उसमें हम करते हैं कि 6 महीने बच्चे को अपने पास पढ़ाते हैं और 6 महीने उसे इंडस्ट्री में भेजते हैं, कंपनी में जहाँ पे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा होता है प्रैक्टिकल कर। यस, क्योंकि दिस इज द जर्मन ड्यूअल ट्रेनिंग सिस्टम, जर्मन में ये काम बहुत फेमस है, वो लोग हमेशा से ड्यूअल ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आज इसलिए जर्मनी बड़ा स्ट्रांग भी है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग पानों वाली ट्रेनिंग या नट्स जिसमें आपने करनी, दैट्स नॉट ओनली द वोकेशनल ट्रेनिंग। IACT is dealing in service sector. तो सर्विस सेक्टर में आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब आप ये देखेंगे इस वक्त कस्टमर सर्विसेज एंड सेल्स इसका बूम है, कोई शक नहीं। एनी पर्सन हु कैन सेल एनीथिंग वो दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकता है, वो मिट्टी भी उठाएगा उसको सोने के भाव बेचेगा। सो कस्टमर सर्विस एंड सेल्स वी ऑल्सो टीच दैट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हम डील करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, डिजिटल मीडिया के कोर्सेज हैं। तो अब जो सवाल आपका था वो ये था बेसिकली कि एजुकेशन, हाँ अगर आप मैकेनिक की एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो उसमें भी एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि कम से कम बच्चे को मैट्रिक किया हुआ, उसको ये पता हो कि कैमरे में ऑन ऑफ कहाँ लिखा है, वो चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। तो अगर फैशन डिजाइनिंग करने आ रहा है तो एटलीस्ट उसको इंचेस का आइडिया हो, 1-2-3 लिखा हो, गिनती पढ़नी आती हो। जहाँ तक यहाँ पे मैं आपकी बात समझी हूँ उसमें आप लोगों का जो वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा जदीद उसमें आ जाता है, क्योंकि अगर मुझे याद पड़ता है तो गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे इदारों के मैंने चलते फिरते रास्तों में नाम पढ़े हैं क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहलाते हैं, जिसमें वही आपने बात की टेक्सटाइल एक अलग चीज़ है, आप और मज़ीद उस पर अगर बात करें उसे और आगे लेके जाएँ तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो पढ़ा जाता था सिलाई कढ़ाई मुख्तलिफ, ये जो आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं जो कि आप चाहे वो मैकेनिक की हो या वो किसी मशीन ठीक करने वाले की बात आप कर रहे हैं, तो ये एक वक्त में गवर्नमेंट के काफी इस तरह के इदारे थे। जी बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि अब हैं या नहीं है। नहीं, अब माशाल्लाह गवर्नमेंट काफी काम कर रही है और उस पे उन्होंने बाकायदा अथॉरिटीज बनाई है, सिनटेफ्टा बना है, टेफ्टाज पूरे उनका फोकस है इसकी तरफ, बल्कि अब ओवरऑल इसमें जर्मन्स ने काफ़ी काम किया पाकिस्तान में हमारे साथ, और अब जो है गवर्नमेंट के तौर पर एक पूरा इनका एक सिस्टम बना है, नेशनल क्वालिफिकेशन वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVQF कहलाता है। तो अब बाकायदा इस पर काफ़ी काम हो रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग पे पाकिस्तान में। फैम साहब वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, एजुकेशन हो गई, और ख़ासतौर से मैं आपसे ये जानूंगी, अभी मैं ब्रेक लूँगी उसके बाद ये जानूंगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग किस तरह एक शख्स को वाकई खासतौर से यूथ को एम्पावरमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आती है, उसमें कितनी कामयाबी दिलाती है, ये हम जानेंगे आपसे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
جی جناب بریک سے آگے واپس اور بریک پہ جانے سے پہلے نعیم فہیم بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ ووکیشنل ٹریننگ کس طریقے سے ایک نوجوان کی ترقی امپاورمنٹ اور انٹرپرینورشپ میں کردار ادا کرتی ہے. جی بالکل کرتی ہے. بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سکھانے والوں پر. الحمدللہ وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم ود اس. تو ہم میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ابھی آپ کا ڈیورنگ دی بریک یو آر آلسو آسکنگ. دیکھیں ایڈمیشن پروسیس از ویری سمپل اور ایڈمیشن لینا بہت مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس لگن اور تڑپ ہے. وہ اگر ہے تو آپ آئیں بالکل. ہم کیونکہ موسٹلی ہمارے پاس جو کورسز ہیں مور دین 90% دے آر آن فری اسکالر 100% اسکالرشپ. تو بہت سارے بچے صرف اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں کہ چلو فری ہے تو سیکھ لیں. سیریس نہیں ہے. تو سیریسنیس اور وہ پیاس اگر ہے یو آر موسٹ ویلکم. اس کے بعد ہمارے پاس جیسے میں نے عرض کیا کہ وی ہیو اے لرننگ فریم ورک. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو فوٹوگرافی سکھانی ہے تو فوٹوگرافی صرف فوٹوگرافی نہیں پڑھاتے ہم. ہمارے پاس ٹائم ٹیبل میں ڈفرینٹ چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں ہم کو فوٹوگرافی سکھاتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم ان کو انگلش لینگویج سکھاتے ہیں. دے شوڈ نو بیسکس آف انگلش ایز ویل. پھر ساتھ ساتھ ہم انہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز دکھاتے ہیں. پھر ہم انڈسٹری ایکسپوجر وزٹس بھی کراتے ہیں ان کو. وہ ایون کہ گڈانی جاتے ہیں, ٹرپس پہ جاتے ہیں, نیچرل فوٹوگرافی کس طرح ہوتی ہے وہ سب. پھر ہم ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرس بھی انوائٹ کرتے ہیں. یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. پھر ڈفرینٹ اسپیکرز آتے ہیں جو انہیں اپنی اسٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے فوٹوگرافی اسٹارٹ کی تھی ہمیں کیا چیلنجز تھے اور ہم آج کس طرح سکسیزفل ہوئے. بیکاز سکسیز اسٹوریز آلویز گیوس یو سم کائنڈ آف موٹیویشن. کوئی شک نہیں. تو یہ تمام ایک پورا پروسیس ہے. پھر ایک اسسمنٹ پروسیس ہے پورا ہمارے پاس. تو اف دا اسٹوڈنٹ از سیریس اور اگر وہ سیریسنیس کے ساتھ چیزیں سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بالکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. ہر چیز اویلیبل ہے. ہم اسے پورا فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور نہ صرف جاب کر پڑھانے کے بعد ہم اسے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں فار دی انٹرنشپس ایز ویل. کوئی بھی بچہ ایسے سرٹیفکیٹ نہیں لیتا جب تک وہ اپنا کورس کر کے ایٹ لیسٹ ون منتھ اسپینڈ نہیں کرے گا کسی کمپنی میں. اور ہم اس کے لیے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم آرگنائزیشنس میں بھیجتے بھی ہیں بچوں کو. انٹرنشپ تو کروا دی, ایک مہینے کی ہو گئی, دو مہینے کی, چلے تین مہینے کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جاب سب سے مین چیز. کوئی بھی آپ اسکل لیتے ہیں یا آپ کوئی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ایک شخص چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, اس نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب جس کے لیے بالکل جاب مل جائے. پھر کیا آگے آپ کبھی اس کو ہوتا ہے کہ اس کے آگے تک لے کے جائیں, کہیں جابس ان کے لیے کریٹ کروائیں؟ بالکل. الومنائی پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. ہمارا الومنائی کا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے. آپ دیکھیں ایکچوئل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے بچے کو پڑھایا تین مہینے, چھ مہینے یا سال کا جو بھی کورس ہے, اس میں اس کی پرسنالٹی میں ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اسے آرگنائزیشن کے گیٹ تک لے کے گئے. آرگنائزیشن کے اندر تک ہم نے بٹھایا. اب اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ہماری یہاں رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے ایٹ ون گو کہ ہم نے بچے کو گروم کیا, پالش کیا, انڈسٹری کے اندر لے جا کے بٹھا دیا. اب اس کی اسکلز کا ٹائم ہے کہ اسے وہ اس نے سسٹین کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ بھی سکھاتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز ہیں. بیکاز آئی ایکٹ واز دا فرسٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان ہو انیشیٹڈ دا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز بیک ان 2009. ہم نے 2009 سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ عام نہیں تھا. اب تو خیر ہر انسٹیٹیوٹ اس کو اون کرتا ہے. تو ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی کسی آرگنائزیشن میں جوائن کرتے ہیں تو آپ کے اسکل اور آپ کا ایٹیٹیوڈ میں واضح فرق ہے. اسکل اگر نہ بھی ہونا لیکن بٹ اف یو ہیو اے لرننگ ایٹیٹیوڈ یو ول گرو کوئکلی اینڈ ریپڈلی. کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ایسے امپلائیز کو ہمیشہ پسند کرتی ہے جو چیزوں کو کوئکلی سیکھے اور اچھے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کرے. تو موسٹلی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو ہم نے انٹرنشپس دلائی اور ان کو وہیں سے جاب آفر ہو جاتی ہے. اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی کا سب سے یہ ہماری کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں ہوتی. تو اس میں پھر وی ہیو دی الومنائی نیٹ ورک. اف دے وانٹ دے کم ٹو اس. وہ ہم سے اپنی پرابلمس بھی شیئر کرتے ہیں. پھر اگر مزید ہم انہیں فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے امپلائرز کے ساتھ, وی آلسو فیسلیٹیٹ. میم صاحب ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ چلیں اگر جابس جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے جو ذکر کیا تھا وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو جابس کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس طرح کے امپلائیز بھی نہیں مل رہے ہوتے. تو آپ لوگ تو کریٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, امپلائیز لے کر آ رہے ہیں. اور جب آپ نے یہ بتایا کہ 99% فری آف کاسٹ آپ لوگ ووکیشنل ٹریننگز دے رہے ہیں تو دیکھنے والا, سننے والا یا یہ جہاں میں بیٹھی ہوں, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وائی, اس کی کوئی ریزن کیا یہ کہ بھائی چلیں اچھا کام کر رہے ہیں یہ یا کچھ, یا پھر یہ کہ آپ لوگ کریٹ جب کر رہے ہیں اس طرح کے
स्टूडेंट्स या यूथ को, तो क्या आप लोग खुद नहीं, आपके पास अभी आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आते हैं रोज़गार के लिए तरह, तो आपको वही उनको आप अपने यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जगह देते थे? देखें, बिल्कुल देते हैं, ऐसा मैंने हरगिज़ नहीं कहा। ट्रेनिंग दी नहीं, मैं ये नहीं कह रही जी कि आपने कहा, आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि आपके यहाँ तो आपका तो इदारा इतना ज़बरदस्त है, जब वो ऑलरेडी ट्रेनिंग जिसने ले ली वो आगे 10 लोगों को और दे सकता है। बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे पास हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा और वो हमारे पास ही काम भी कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, बिकॉज हर जगह के जो एक लेवल और मेयार है वो डिफरेंट होता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी स्टूडेंट को उसने पढ़ा उसको टीचर रख लें, क्योंकि हम एक तो बुकिश टीचर्स पे बिलीव नहीं करते। हम हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो उसके लिए हमने फुल टाइम टीचर नहीं रखा, इसलिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर अभी आप लेकर आए नया नया इसको जी, तो उसमें अब तो खैर माशाल्लाह 3 साल हो गए हमें, तो सप्लाई चेन में अगर वो सप्लाई चेन पढ़ाने के लिए जो भी टीचर है वो खाली टीचर नहीं है, बल्कि वो उसका या तो अपना बिजनेस है या वो किसी अच्छी पोजीशन पर है जहाँ से वो प्रैक्टिकली चीज़ें सीखता है और सीखने के बाद आके बता रहा होता है। तो अब हम जहाँ बात कर रहे थे उसकी, तो यस, जो जो पोजीशंस अवेलेबल होती हैं वहाँ हम अपॉर्चुनिटीज ज़रूर देते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स भी हमारे पास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बात की। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझती हूँ कि पाकिस्तानी यूथ नीड्स टू फोकस ऑन 5 मेन थिंग्स। नंबर 1, ब्रांडिंग पाकिस्तान, करियर काउंसलिंग जिसको आपने बताया कि आप लोग करते हैं, एजुकेशन, सोशल सर्विस, टैलेंट प्रमोशन। क्या कहेंगे, क्या वाकई ये चीज़ें, 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हैं तो आप लोग इस सबको ये चीज़ें कैटर करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में? देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी रिसर्च है आपकी। और ब्रांडिंग पाकिस्तान, देखें, वो जब ही करेगा जब सबसे पहले आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे। सो हमारे जो माइंड सेट्स हैं ना हमारे यूथ के, वो आजकल बड़े डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए काफ़ी काम कर रहे हैं, और हम सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज ही जैसे मैंने अर्ज किया नहीं करवा रहे। अभी हम एक और प्रोजेक्ट हमारा है लीड द वे के नाम से, जिसमें बच्चे आते हैं हमारे पास और वो कोई कोर्स नहीं करते बल्कि वो सिर्फ सारा दिन स्पेंड करते हैं इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। उनके लिए लाइब्रेरी हमारी ओपन है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए हमारी IT लैब फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन है, उनके लिए हम डिफरेंट गेस्ट स्पीकर सेशंस रखते हैं, उनके लिए हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक्टिव है, बिकॉज हम स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि हेल्दी बॉडी कैन कंटेन अ हेल्दी माइंड, अदरवाइज नहीं। तो ये सारी चीज़ें, अब वो बच्चे सिर्फ, अब हम उनको एक 1 वीक की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें सोशल अवेयरनेस के ऊपर बात हो रही है, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात हो रही है, और जो हमारी इस वक्त हम कह रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात है। आफ्टर दैट दे विल डू सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स, वो अपनी कम्युनिटी में जाएंगे, जाने के बाद अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे और फिर वो हमें डिस्प्ले करेंगे। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैम द फंड्स एज वेल विद द सपोर्ट ऑफ कराची यूथ इनिशिएटिव। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो देखा जाए तो हम हर एलिमेंट पे काम फोकस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है फहीम साहब। एक चीज़, रोज़ाना आपका बेशुमार नौजवान आपके सामने आते हैं, इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल, क्या चीज़ आप सबसे मेन आप कहेंगे कि ये इस चीज़ की कमी है, या अगर कहें कि नहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ ट्रैक की कमी है, क्या कहेंगे? यू आर एब्सोल्युटली, आपने खुद ही जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी है। और आज के नौजवानों में प्यास की कमी है थोड़ी सी, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप खुद सीखना नहीं चाहते ना, कोई आपको सिखा नहीं सकता। तो चूंकि आज मैं जब एक्सपीरियंस करता हूं, तो हमारे नौजवानों में थोड़ा सा मसला ये भी है, एक तो वो फैसिनेट हो जाते हैं बहुत जल्दी चमकती हुई चीज़ों को देख के, और उनको पढ़ते चले आ रहे हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने ये देखा कि जी ये मेरे मामू हैं, वो बैंकर हैं और उनके पास अच्छी सी गाड़ी है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ बैंकर। तो जो एक इनर पीस है, ये जो इंटरनल नॉलेज है ना, उसकी खासी कमी है। और फिर उसमें कसूरवार हम सब होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, सबका कसूर होता है, हम उन्हें गाइड नहीं करते सही तरह से। तो हम अपने पास कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को वो जो, बिकॉज हमारा जो विजन है ना, दैट्स, उसमें हमने वर्ड यूज़ किया है, वी वॉन्ट टू नर्चर देयर पोटेंशियल। वी नेवर से कि उनका पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उस पोटेंशियल को नर्चर करना है, उसको गाइड करना है टूवर्ड्स अ डायरेक्शन। वंस दे नो के उनको अपना पोटेंशियल पता चल गया, नाउ दे आर ऑन द ट्रैक, नाउ दे विल डू देमसेल्फ, वो अपने रास्ते खुद तलाश करते हैं। टैलेंट प्रमोशन की अगर हम बात करें तो उस सिलसिले में कोई, आप क्या समझते हैं, क्या कोई काम करना चाहिए, आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अक्सर होता है टैलेंट तो आपके पास है लेकिन उसे प्रमोट ही नहीं कर पा रहे, आपको तरीका ही नहीं पता। बिल्कुल, कहते हैं टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल टैलेंट की कमी है। इस लिहाज से तो हम लोग माला माल हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और
इसमें मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एक फ़र्द वाहिद या एक इदारा इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। देखिए, हम अगर ये कहें कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टैलेंट को नर्चर करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम टैलेंट बनाते हैं, क्योंकि टैलेंट हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल है, हम उसको सिर्फ नर्चर करते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, नाउ यू हैव टू डू इट। हम उसे पॉलिश करते हैं और फिर हम उसे इंडस्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ तक होता है हम उसे मार्केट करते हैं, ज़रूर दिखाते हैं, बताते हैं कि ये हमारा टैलेंट है, इस बच्चे को हमने प्रमोट किया। बट ऑब्वियसली इसमें मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी अथॉरिटीज़ की, आई नॉट गो इन टू द डिटेल्स, बट ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, इवन मीडिया की भी, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम लोग इंडिविजुअलिज्म से हट कर, हम अगर पेट्रियाटिज्म की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअलिज्म को साइड में रखना पड़ेगा, कलेक्टिव कॉज है इसमें, फिर जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि फिर जो एक्चुअल टैलेंट है उसको नेगलेक्ट ना करें, उसको भी प्रमोट करें, उसको मोटिवेट भी साथ साथ करें, देन डेफिनेटली विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन फ्यूचर। आपने ये बहुत अच्छी बात की और ख़ुद भी बता दिया आपने कि वाकई हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें खुद अपने बारे में इतने अवेयरनेस होती, ना पता होता कि उन्होंने कौन से ट्रैक पर जाना है, कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है, क्या वो करियर काउंसलिंग सबसे पहले ज़रूरी होता है। और आप लोगों ने जो टीम बिठाई हुई है, जिसमें आपने कहा कि स्टाफ है आपका, वो बकायदा उनको पहले इंटरव्यू करता है, उसकी बेस पे स्कॉलरशिप उनको दी जाती है। स्टाफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, उनका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आपने उन लोगों को रखा हुआ, और कितना स्टाफ है, और स्टूडेंट्स कितने हैं अभी आपके पास? इस वक्त इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आर इंस्टीट्यूशन, तो हमारे पास 30+ का स्टाफ है जो परमानेंट स्टाफ है, और कुछ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वी हायर विजिटिंग फैकल्टी फॉर देम। और अब डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो डेफिनेटली अगर एक नॉर्मल या ऑपरेटर लेवल की पोजीशन है तो उसके लिए ग्रेजुएट वुड बी इनफ, लेकिन अगर एक पोजीशन है फॉर एग्जांपल फैकल्टी की पोजीशन है तो उसमें द पर्सन शुड बी मास्टर्स इन द रेलेवेंट फील्ड विद सम काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस एज वेल, तो वो थोड़ा सा फिर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज वो इसलिए हम देते हैं कि देखें जो भी शख्स हमारे पास जो पढ़ाने आएगा ना, वो अपना काम नहीं कर रहा, बेसिकली वो सर्व कर रहा है, वो यूथ को डेवलप कर रहा है। तो जब मैं किसी चीज़ को बनाने के लिए मेरे अंदर खुद वो प्यास और वो तलब और वो क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो मैं उस चीज़ को कभी क्रिएट नहीं कर सकता, और या उसके अंदर मैं वो आपने जब तक पैशन नहीं डाल पाऊंगा, बिल्कुल। तो वो चीज़ है, हम उसको ज़रूर देख रहे होते हैं। और हमारे पास इस वक्त एक वक्त में अराउंड 250-300 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर 3-4 महीने बाद हम एडमिशन्स दोबारा अनाउंस करते हैं, जिसमें वो दोबारा बच्चे नए कोर्सेज के लिए हमें टेक कर रहे थे। कुछ कोर्सेज हमारे एक साल के भी हैं जो चल रहे होते हैं, तो दैट्स डिफरेंट। फहीम साहब, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने ये कहा कि हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं उनके जहनों में भी बहुत से सवाल होते हैं जिसके जवाब आपसे लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास कॉल आई जिसमें किसी ने पूछा है कि एक्टिव सिटीज़न वो क्या है, क्योंकि मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि वो क्या है। देखें, अगर नाम पे जाएं तो एक्टिव सिटीज़न एक ट्रेनिंग लॉन्च की थी आज से बहुत बरसा पहले ब्रिटिश काउंसिल ने, इत्तफाक से मैं उसका सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, आई हैव गॉट द ट्रेनिंग फॉर दैट एज वेल। बट क्या ट्रेनिंग है इन अदर टर्म्स, अगर हम एक्टिव सिटीज़न की बात करें तो एक ऐसा शहरी जो एक्टिव होता है, जो कम्यूनिटी जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, जो अभी मैंने कराची यूथ इनिशिएटिव के एक प्रोजेक्ट की बात की जिसमें मैंने कहा कि जो 5 डेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट नाउ दैट ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, दिस इज़ दी अनदर मॉड्यूल ऑफ 5 डेज की है सिर्फ ट्रेनिंग, 5 फुल डेज की ट्रेनिंग है, लेकिन वो बच्चे हमारे पास 3 महीने से हैं, तो उनको हम, क्योंकि अगर आप किसी को सिर्फ लर्निंग क्लासरूम में नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट ब्लेम ऑन क्लासरूम लर्निंग, लेके भी जाते हैं और उन्हें डिफरेंट, बिल्कुल, और हमने सारे गेम्स अपने पास रखे हैं। हम ये कहते हैं कि आप रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम इन अ वीडियो गेम, इफ़ यू वांट टू प्ले समथिंग, अगर आपने लूडो खेलनी है आप इधर आके खेलें, आप पॉजिटिवली हमारे सामने रहेंगे तो आप एटलीस्ट पॉजिटिव सोच रखेंगे और किसी वल्नरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो एक एक्टिव सिटीजन बेसिकली यही होता है कि जो अपने आप को और अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ये समझे कि मेरे किस अमल और किस फेल से जो कम्युनिटी है उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सही। तो अब अगर हम इस पर बात करें, मिसाल के तौर पर इस वक्त हम कराची में कचरे का बड़ा इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो बात ये है, बात ये है, वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट, वी आर, बात ये है कि मैंने भी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहीं ना कहीं कचरे की थैली फेंकी होगी, या जहाँ पे ऐसी कचरा कुंडी बन गई है किसी शख्स ने तो पहल की होगी, शीशा खोला और फेंक दिया, किसी शख्स ने तो पहल की ना, किसी शख्स ने तो पहल की। तो एक एक्टिव सिटीजन या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो सिटीजन होता है जो अपने इन जिम्मेदारियों को समझता है कि नहीं, अगर मैं, इफ आई विल टेक दिस इनिशिएटिव समबडी विल डू द सेकंड थिंग। तो हम जो है ना, वो वी डू नॉट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी स्किल है,
ये एटीट्यूड है, ट्रेनिंग है, ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड की ट्रेनिंग है, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं। लोग स्टूडेंट्स आते हैं तो अगर ये वाली ट्रेनिंग आप सबसे पहले दें तो सबसे बेस्ट नहीं हो जाएगा कि ये ट्रेनिंग होना जरूरी है, वो ये सोचते हैं ये कोई ट्रेनिंग है? बिल्कुल, ये हमारे मैंने जैसे कहा इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल करियर डेवलपमेंट में हम कोर्स करवाते हैं पूरा, वो डिफरेंट सेशंस होते हैं एक्टिविटीज के साथ, तो ये उसका पार्ट है। अभी क्योंकि यहाँ पे आपके एसी के बारे में लिखा हुआ है जो अभी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के 16 स्किल्ड एंड करियर बेस्ड कोर्सेज फॉर यूथ वोकेशनल ट्रेनिंग, 16 कोर्सेज जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स पे करा रहे होते हैं, बिल्कुल। और मजीद आप लोगों के जहन में जो होते होंगे इसका स्ट्रक्चर आगे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम हम कराते रहते हैं। जहाँ मैंने बात की थी कि हमारी जो यूथ है, पाकिस्तान की यूथ है, उनको इस वक्त जरूरत है कि वो इन 5 चीजों पे फोकस करें जो मैंने अभी बताई, मगर यहाँ पे मेजर चैलेंजेस भी हमारे सामने, इश्यूज भी है यूथ के, पुअर एजुकेशन सिस्टम है। आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ से हम निकलते हैं, आता है कोई स्टूडेंट आता है तो उसके पास उस तरीके से एजुकेशन ही नहीं होती बिल्कुल, उसके लिहाज से वो बात कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट वो तो हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब आपके पास रोज़गार नहीं होता। आपके पास डिग्री ज़रूर होती है मगर रोज़गार नहीं होता, फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टेररिज्म है, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो अब अल्लाह का शुक्र है कराची में काफ़ी बेहतर होगी, उसके बाद ड्रग अब्यूज होगी, यानी जितने भी नाम लें यहाँ पे बहुत से इशूज़ हैं, हेल्थ इशूज़ हैं, और ये सबको आप फेस करते करते हेल्थ इशू पे तो आ जाती है ना बात फिर। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए क्या ऐसा है कि जब आपके पास नौजवान आते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, देखें इसमें से होता ये है कि जब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन का विजन ये है कि हमने एक हेल्दी, मैं आपको बल्कि आयक का विजन बता देता हूँ कि आवर विजन इज इंस्पायरिंग एंड फैसिलिटेटिंग यूथ टू नर्चर देयर पोटेंशियल फॉर अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। हम खाली जॉब्स को फोकस नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो आपकी लाइफ है वो हेल्दी अच्छा, और प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो कोई भी लाइफ हेल्दी और प्रोडक्टिव जब ही होगी जब आप प्रोडक्टिव किस्म की या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। तो एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हम इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हम आउट ऑफ कराची भी जाते हैं, हम वहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स को पार्टनरशिप्स करके उनके बच्चों को इंगेज करते हैं, वहाँ पर सेशंस करवाते हैं, हम फीमेल्स के साथ अलग से कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमने साइकोसोशल हेल्थ पे भी काम किया, उसमें हमने बाकायदा एक्सपर्ट्स को हायर किया और हमने आउट ऑफ कराची भी जाके, क्योंकि असल जो हमारे नौजवानों का बड़ा मसला है ना वो ये है कि उनको सुनता कोई नहीं है। हमारे यहाँ लिसनिंग पावर बहुत कम है, इवन वी डू नॉट लिसन, किसी बात पर मेरी और आपकी ज़रा सी कहीं क्लैश आएगा तो वी विल स्टार्ट आर्गुइंग, सो वी डू नॉट हैव दैट। साहब मुझे वाइंड अप करना है लेकिन सॉरी आपकी बात काटनी पड़ी है मुझे, मगर मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल जो मेरे जहन में सारे वक्त घूमता रहा उसमें यह था कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा मेल फीमेल में कौन आता है, गर्ल्स आती हैं बॉयज़ आते हैं, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है? ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों तकरीबन बराबर है, गर्ल्स का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग और वो कोर्स काफ़ी है और उसमें बच्चों को जो कि हम लग्जरी देते हैं कि वो ज़रूरी नहीं जॉब्स करें, वो अपने घर पे बैठ के भी 99% फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उन्हें बोलिए? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी काम को या स्किल को सीखने में किसी शर्म की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी समझते हैं कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं आपको करना चाहिए और आप हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, मलीर में है, आप हमारी वेबसाइट अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बता सकता हूँ, फेसबुक पे आईएक्ट आप सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसिंग करियर्स एंड टैलेंट्स के नाम से, या आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम www.iact.org.pk और हमें आप ज़रूर विजिट करें। आप एडमिशन नहीं भी लेना लेकिन अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए आप गाइडेंस के लिए आए, हम आपको गाइड करने के लिए, आवर टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच फहीम बुखारी साहब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे और आपने बकायदा गाइडलाइन दी है हमारे यूथ को। और यहाँ पे यही कहूँगी नाज़रीन आपसे, किसी मुल्क के नौजवानों को जो है नेशन बिल्डर कहा जाता है और कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इस वक्त यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा है और काम करने के लिए भी हर वक्त तैयार है, तो चाहे प्रैक्टिकली हो या फिर मोरली अपना रोल अदा कर सकते हैं किसी भी मैदान में, चाहे वो माशी तरक्की क्यों ना हो। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।